हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। जी जनाब, आज हमारा मक्का में तीसरा दिन है और हम लोग रेडी हो गए और हम लोग जा रहे हैं हरम में, क्योंकि मुझे वहाँ पर ज़ोर और असर की नमाज़ पढ़नी है और अब्रिश को थोड़ा बर्ड्स वगैरह को फूड वगैरह डालना है। तो जनाब हम लोग पहुँचते हैं हरम, और क्योंकि काफ़ी रश हो जाता है, गर्मी भी है, थोड़ा मौसम चेंज हो गया। रश तो अभी भी होगा क्योंकि आपको पता है कि बिल्कुल रमज़ान जो है वो स्टार्ट होने वाला है आज इंशाल्लाह ताला, जो है वो जान नज़र आ जाएगा। तो अभी से रश जो है वो वैसे भी शाबान का पूरा महीना बहुत ज़्यादा रश था, और रमज़ान में तो ऑब्वियसली होता ही होता है रश। तो हम लोग पहुँचते हैं जनाब हरम और देखते हैं कि आज का जो है वो क्या सूरत हाल है, कितना रश है क्या है। वैसे मोस्ट प्रोबेबली जोहर के टाइम जो है वो ज़्यादा रश नहीं होता है, और आप देख रहे हैं कि मतलब कि जब भी हम विज़िट करते हैं मक्का का, तो हम जहाँ से भी जिस साइड से भी आ रहे हों, चारों तरफ से जो है वो हमें क्लॉक टावर जो है वो नज़र आता है। और काफ़ी धूप थी और लेकिन हवा चल रही थी, बड़ा अच्छा वेदर था। तो ऑलमोस्ट हम लोग हरम पहुँच चुके हैं और देख रहे हैं कि हमें जो है वो नीचे जाने का अलग तरह की जगह मिल जाए। वैसे इस दफ़ा जो है वो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि हमने जब भी जाना चाहा है नीचे मौताफ़ में कि हम खाना काबा के सामने बैठ कर नमाज़ पढ़े, तो हमें हर वक्त जो है वो लिफ्ट और जो है ना डोर ओपन ही मिले हैं। तो ये सबसे अच्छी बात है कि कोविड के बाद जो है अभी इस साल जो है वो फुली जो है वो उमरा ओपन है, और आप कभी भी जा सकते हो, किसी भी टाइम आपको जो है वो रुकावट नहीं है। वरना तो था कि डोर्स बंद कर देते हैं और जाने नहीं देते, लिफ्ट जो है वो रिवर्स होती हैं। जब हम लोग नमाज़ पढ़ चुके हैं, नमाज़ पढ़ने के बाद जो है मैंने वीडियो वगैरह ज़्यादा नहीं बनाई, और क्योंकि मैं थोड़ा कुरान पढ़ी थी और बस उसी पर मेरा फोकस था। उसके बाद हम लोग सामने एक मॉल है, बहुत खूबसूरत मॉल है, तो हम लोग यहाँ आए क्योंकि हमें थोड़ा खाना वगैरह खाना था, ब्रश को भूख लग रही थी, और उसके बाद मैंने इसको होटल ड्रॉप करना था। जनाब आप देख रहे हैं इस कदर ब्यूटीफुल है, ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत इसका एम्ब्रेस है, उसके लिप्स हैं, और वाइट कलर और वाइट और ब्लू और डिफरेंट शेड्स आना बहुत खूबसूरत। हम लोग खाना खाने के लिए जो है वो थर्ड फ्लोर पर आए थे, और यहाँ पे हमें जो है वो बहुत खूबसूरत लाइटिंग और बहुत ज़बरदस्त जो है वो एक शॉप नज़र है, जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ज्वेलरी शॉप्स थी और कॉस्मेटिक्स वगैरह था और सब कुछ था, गिफ्ट शॉप थी, और यहाँ पे आई लव मक्का लिखा हुआ था और हमें ये दूर से ही नज़र आया। तो हम लोगों ने सोचा चलो थोड़ा सा पिक्चर्स वगैरह यहाँ पर बनाते हैं, और हमारे साथ साथ ही फिर काफ़ी सारे लोग आ गए थे। और ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पर बहुत अच्छी उन्होंने रमज़ान की लाइटिंग की थी, मतलब ये आई कैचिंग थी। जैसे ही हम ऊपर आए हैं तो हमें फ़ौरन से ये नज़र आया, तो हमारा दिल किया कि हम जाएँ और जाकर ज़रा इस प्लेस को विज़िट करें। बस ना थोड़ा सा फ़ोटो शूट करने के बाद हम लोग वहाँ पे बहुत अच्छी शॉप्स थी अबायाज़ की और जलाबियाज़ की, और मुझे भी चाहिए था और अब्रिश को भी चाहिए था, क्योंकि हमारा ये था कि हम फर्स्ट रमज़ान को जो है वो ट्रेडिशनल ड्रेस ही पहने, और यहाँ पे बहुत खूबसूरत ड्रेसेस। आप जब भी कभी आएँ तो अब इन जो जो हरम है, हरम के सामने जितने भी मॉल्स हैं, आप यहाँ पर ज़रूर विज़िट करें, आपको बहुत ज़्यादा अच्छे अबायाज़ और ड्रेसेस और ज्वेलरीज, मतलब थोड़ा एक्सपेंसिव भी हैं और चीप भी हैं, मतलब आपको थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आपको जो है वो अच्छी प्राइस में चीज़ें यहाँ से मिल जाती हैं। और जनाब यहाँ से हमने अपनी शॉपिंग वगैरह की, और उसके बाद जो है मैं अब्रिश को ड्रॉप करूँगी होटल, और उसके बाद मैं वापस आती हूँ, और उसके बाद मैं मगरिब की नमाज़ और उसके बाद इशा का पढ़ूँगी, और उसके बाद तरावी होगी इंशाल्लाह ताला। आज अनाउंसमेंट का बस वेट करेंगे मगरिब की नमाज़ के वक्त कि जो है वो क्या है। और यहाँ पे हर एक मॉल के सामने जो है हर एक मॉल में जो है वो मस्जिद भी है, अगर आप लोग जो है यहाँ पे वज़ू करना चाहते हैं या मस्जिद जाना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पे जो है वो नमाज़ पढ़ सकते हैं। और जनाब जी जनाब हम लोग यहाँ से फारिग हो गए हैं, और हम लोग जो है वो बस यहाँ से निकल रहे हैं, और जाते हुए हमें जो है वो पिजन्स के लिए फ़ूड लेना है, क्योंकि अब्रिश को जो है वो पिजन्स का प्ले करना है। और आज के लिए बस इतना से ही, मैं यहाँ इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ, नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह स्टार्ट करती हूँ अपना मगरिब की नमाज़ के बाद, क्योंकि अनाउंसमेंट भी हो जाएगी रमज़ान की, और फिर मुझे उमरे के लिए भी जाना है मस्जिद आयशा। तो आज के लिए इतना ही, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, और मैं भी आपको अपनी दुआ में ज़रूर याद रखूँगी। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए
अल्लाह हाफिज़।